सावन बितिया जी की गिर जाए भादव लगती भैंस मर जाए। सावन बितिया जी की गिर जाए भादव लगती भैंस मर जाए। और छनिहर घर मां दियना बारो कैसे कुशल कराई भगवान। घर में दियना बारो कैसे करे बगिया मां। अर्जुन और हनुमान जी से झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा भैया तो अर्जुन पावन पुत्र हनुमाना दुनहु जन झगड़ा ठान्यो। अर्जुन बीरबली हनुमाना दुनहु जन झगड़ा ठान्यो ना। आखिरी में झगड़ा में यूं फैसला हुआ, अर्जुन ने कहा देखो हनुमान अगर तुम बड़े हो तो नदी पर हम पुल बनाएंगे, अगर तुम बड़े हो तो नदी पर पुल हम बनाएंगे, पुल तुम तोड़ दो तो तुम बड़े और ना तोड़ पाओ तो हम बड़े। तुम बढ़ाओ आवाज बढ़ाओ। अगर पुल ना तोड़ पाओ तो तुम हम बड़े और तोड़ दो तो तुम बड़े। अर्जुन महाराज भगवान कन्हैया का नाम लिया, गुरु का नाम लिया, अपनी मैया कुंती के चरणों का ध्यान किया, ए भैया बनाने लगे पुल। जब अर्जुन महाराज पुल बनाने लगे तो हनुमान जी महाराज जाकर के बड़े बड़े खोहर पहाड़ों पर हनुमान जी महाराज जीसीबी बने लाग, हनुमान जी महाराज बने लाग बिल्डोजर कि हम भार बनाएंगे। थोड़ी देर में अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन बाण छोड़ने लगे, बाणों का पुल बनाने लगे। पहली बार 1,000, दूजी बार 10,000। तीजी बार 1,00,000 क्रोध करी मारे। तीजी बार 1,00,000 बाण छोड़े अर्जुन ने। ऐसे उड़ जात जानो मेघ के फुहारे। थोड़ी सी ही देर पर बनाए नदी पंथ दियो। स्वर्ग बीच देव सब करती ठाणे। थोड़ी देर में अर्जुन महाराज ने सर्व नदी पर पुल बना दिया, बाणों के द्वारा सब नदी पर पुल बना के तैयार कर दिया। और हनुमान से कहा हनुमान इस पुल के ऊपर तुम चलो, पुल टूट जाएगा तुम बड़े ना टूटे तो हम बड़े। हनुमान जी महाराज को घमंड है कि आज तक मेरा काम कोई बिगड़ा नहीं। भगवान का नाम लेकर हनुमान जी महाराज पुल के ऊपर चलने लगे। और जब पुल के ऊपर चलने लगे भैया तो टूट न बाण घमंड घहरानो सोचत वीर बली पहचानो। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि पुल बाण लच जाता है लेकिन पुल टूटता नहीं है भैया। धीरे धीरे हनुमान जी महाराज पूरा पुल क्रॉस नहीं बीचों बीच में पहुंच गए। जब बीचों बीच नदी की धार में पहुंचे तो हनुमान जी ने सोचा कि आखिर ये पुल टूटता क्यों नहीं है, आज तक का कोई काम बिगड़ा नहीं हो, मैं रास्ता पार कर रहा हूँ। लेकिन ये भैया मोरे भार चले कि मैं बाना, या हनुमान जी सोच रहे हैं कि मेरे भार से कौन बाण रोक सकता है।
लेकिन ये बाण टूटता नहीं। हनुमान जी महाराज ने सोचा का ठोस तो नहीं पुल बना है। हनुमान जी महाराज बीचों बीच धार में खड़े सोच रहे हैं, तो विचार किया पुल ठोस तो नहीं बना है। तो हनुमान जी विचार किया लाओ झांके, तो जब पुल के हनुमान जी महाराज पुल के नीचे झांका तो क्या देखा कि जौन से सामने हनुमान जी महाराज का पैर है, तो क्या देखा नदी की वो सामने धारा लाल है। धारा लाल है क्यों? क्योंकि वे हनुमान जी का भार भगवान है बने कछुआ, भगवान बने कछुआ, राम बन करके हनुमान जी के ऊपर भगवान भार बढ़ा रहे हैं, और अर्जुन की तरफ से भगवान कन्हैया बने कछुआ पीठ लगाए पुल को रोक रहे हैं। लेकिन भातना लोड पड़ता है कि कछुआ बने भगवान के ऊपर जब हनुमान जी कदम देते हैं तो मुंह से भाई खून निकलता है। उस खून की लाल रंग के द्वारा नदी की धारा लाल है। हनुमान जी महाराज ने सोचा ये नदी की धारा कैसे लाल है। हनुमान जी महाराज तुरंत भैया पुल के नीचे उतर गए। जब पुल के नीचे उतर करके देखा तो क्या देखा, आह करुणा निधान रउआ जगत के दाता बन गे, करुणा निधान रउआ जगत में कछुआ बन गे, नदी माँ कछुआ बन गे, नदी के खाले कछुआ बन गे। एक सोचे हनुमान रउआ प्रभु जी कछुआ बन गे, सोचे हनुमान दउआ प्रभु जी कछुआ बन गे, जगत को गोद खिलावई मेरे को ध्यान नया वही, टूटो 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 अभिमान रउआ प्रभु जी कछुआ बन गे, टूटा अभिमान भैया प्रभु जी कछुआ बन गे, ए भैया। तुरंत हनुमान जी महाराज जब झांका तो मेरे जो करुणा निधान भगवान है वो कछुआ बने हैं। हनुमान जी महाराज तुरंत बोले प्रभु यू कछुआ बने तुम का खोपड़ी लगाए हो। भगवान रोने लगे, हनुमान जब तुम दोनों भक्त बराबर हो और आपस में लड़ी हो तो बीच में हम नहीं मरी जाव। ए जब बहुरिया लोग हैं सास बहुरिया अपने सास से ने व्यवहार कहे रहती हैं तो कहते हैं जो बहू अपने सास से ने फुल व्यवहार बनाए रहती हैं वो बहू ससुरार में कबहू फुल पावर से मार नहीं खाती है, वह फुल पावर से नहीं मार पाएगी। क्योंकि अगर सास बहुरिया में खूब निपटत है और लड़कों जैसे डंडा उठाए न कहीं तुमका कोई लो मार डरा बहन हैं, जैसे मारे दौरे तो बूढ़ा उनसे ज्यादा पहले लौटे लगी, हम हो खाड हो हम हो को मार हो हम हो को मार हो ए लव कुस हम हो को मार ए लव कुस हम हो को खाल हो ये झगड़ू हम हो निपटार दे हो है नहीं। तो लड़कों ने कहा कहा लियो तुम दोनों हो जने मर लियो। अगर आज बहुरिया मारी नहीं गई या की बदौलत आए या बदौलत आए बूढ़ा के, अगर बहुरिया से ने बहुरिया सास निपटत है तो न मारी, और जो नहीं निपटत है मान लो अंदर अंदर दुश्मनी है तो जस लड़कों ने डंडा उठाए बूढ़ा लप दुआ जाए गई और आग देहरी करे बैठी और घर में सब दए द्वार सब दए द्वार जितना जो आसाराम घर में दए द्वार रहे बड़े। तो अब जैसे अब गाँव के तो कोई यही नहीं बचा हुए, गाँव के कोई कहे क्योंकि चपरास बैठी है बूढ़ा बैठी है। अब बात में पूछे हैं के अम्मा तुम्हारे घर में बड़ा दया द्वारा मचे रहा है बड़ा रोना धोना मचा रहा है। तो बूढ़ा ऊपर चपचुई लगाती है ऊपर से बूढ़ा माखन लगाती है, हाँ भाईजी हाँ हाँ बहनी तो मऊना नहीं की वह खुदाई लौटे उनका मान लेती है डंडा भारत है तो छपर में भिड़ जाता है। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की है ना। अर्जुन महाराज
वो हनुमान जी बोले प्रभु यो बताओ कि जब प्रभु बोले हनुमान जब तुम दोनों भक्त बराबर हो तो हम आखिर मदद किसकी करें, हम मदद बराबर करेंगे क्योंकि राम और कृष्ण में कोई विशेष अंतर नहीं था, जौन कारण से राम का अवतार हुआ उसी कारण से कन्हैया का अवतार हुआ। एक भजन सुना होगा गुरु जी के द्वारा, ये बहुत पुराना भजन है भैया,